पूर्वोत्तर से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन। शपथ लेने के बाद से लगातार अपने विवादित बयानों से राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब का एक नया बयान सामने आया है, जिसमें देव धमकी देने के अंदाज में बात करते दिख रहे हैं। देव कह रहे हैं कि सरकार में दखल देने वालों के नाखून नोच लिए जाएंगे। हालांकि देव की बयानबाजी से शीर्ष नेतृत्व नाराज चल रहा है, इसी के चलते उन्हें दिल्ली भी तलब किया गया। अपने बयान में देव कह रहे हैं कि जब कोई वेंडर सुबह 9 बजे बाजार में लौकी लेकर आता है तो लोग नाखून लगाकर चेक करते हैं कि ताजी है या नहीं। लोग इतने नाखून मारते हैं कि रात 8 बजे तक वो लौकी बेचने के काबिल नहीं रहती। अंत में वेंडर को उसे किसी गाय को खिलाना पड़ता है। नाखून मारने वाले का नाखून नोच देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह लोग सरकार को लेते हैं, सोचते हैं कि सरकार है इसे तो लूटो। लोग सरकार में भी नाखून मारने की कोशिश करते हैं, ऐसे नाखून को नोच देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सरकार सत्ता की नहीं, ये सरकार बिप्लब देव की नहीं है, ये जनता की है, पब्लिक की है। मेरी सरकार में जो दखल देगा, जो परेशानी खड़ा करेगा, उसके नाखून को नोच देना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ एंड कमेंट बॉक्स में सुझाव देना ना भूलें।